Hello and welcome friends on my YouTube channel. Please subscribe, like and share to my channel and press the bell icon for more videos. Friends, आज का मेरा वीडियो आप सभी को मोटिवेट करने के लिए है, स्पेशली जो 17 से लेकर 25 की एज को सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी एज भी 17 से 25 के बीच है तो इन बातों को अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में रिच हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, भविष्य में कौन सफल होगा ये जानने के लिए एक रिसर्च की गई, जिसमें कुछ बच्चों को लिया गया जिनसे कहा गया था कि अगर आप ये चॉकलेट अभी तुरंत लेंगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी, लेकिन अगर आप दो दिन बाद लेंगे तो आपको एक की जगह दो चॉकलेट दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने तुरंत एक चॉकलेट लेने का फ़ैसला किया और बहुत कम बच्चों ने दो दिन रुककर दो चॉकलेट लेने का फ़ैसला किया। जब ये बच्चे बड़े हुए तो पाया गया जिन्होंने दो चॉकलेट लेने का फ़ैसला किया था वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए, और जिन्होंने सिर्फ एक चॉकलेट लेने का फ़ैसला किया वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। तो इस एग्ज़ाम्पल से आप समझ गए होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग तुरंत फ़ायदा चाहते हैं वो कभी ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, और लोग अक्सर तुरंत अपना फ़ायदा करवाने के लिए स्टूपिड डिसीजन ले लेते हैं। बिजनेस हो, सक्सेस का एक फॉर्मूला है, कभी भी तुरंत फ़ायदा कमाने के लिए बेवकूफ़ी भरे डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बल्कि थोड़ा आगे की सोचें कि भविष्य में आपके इस काम से आपको अभी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो सकता है। अमीर बनने वाले के 7 गुण, अगर ये गुण आप में भी हैं तो आप भविष्य में ज़रूर अमीर बनेंगे। दोस्तों, बड़ी सोच रखने वाले लोग शुरुआत में कभी भी बेवजह खर्च करने के बारे में नहीं सोचते। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। एक व्यक्ति जिसे कोई गाड़ी पसंद आ जाती है वो उसे जल्दी से जल्दी लेने का फ़ैसला कर लेता है, भले ही उसके पास पैसे की कमी हो, भले ही उसे अपनी तनख्वाह काट काट कर परेशान होकर गाड़ी की किस्त देनी पड़े, लेकिन वो पहले अपने शौक को पूरा करने के बारे में सोचता है, इतना सेल्फिश होता है, और गाड़ी से लेकर उसकी किस्त भरने के चक्कर में वो फाइनेंशियली और भी कमज़ोर होता चला जाता है। लेकिन अमीर बनने वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। इसके लिए एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। अगर उनके पास 1 लाख रुपये हैं तो वो सोचते हैं इस 1 लाख रुपये को कैसे कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे ये 4 गुना तक बढ़ जाएँ। अमीरों वाली सोच रखने वाले लोग हमेशा अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके बढ़ाने की ही सोचते हैं। और याद रखना, आप जितनी सही जगह पैसे इन्वेस्ट करोगे उतने ज़्यादा आप रिच बनोगे और सक्सेस होगे। फिर उस पैसे से आप अपने शौक पूरे कर सकते हो। इससे बेहतरीन सच्ची इंस्पिरेशन आपको नहीं समझ में आएगी। एक कॉलोनी में बहुत सारे घर थे जिसके बीच एक छोटा सा घर था। लोग सोचते इस छोटे से घर के मालिक के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन ये बड़ा घर नहीं बनवा रहा। परंतु क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? उस कॉलोनी में सभी लोग अपनी कमाई अपने घर में और बड़ी बड़ी गाड़ी लेने में लगा चुके थे, और ये ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पैसे को घर बनवाने की जगह अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट कर रखा था। और कुछ सालों बाद उस व्यक्ति ने अपने पैसे को 40 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया, और 5 साल बाद उसने घर बनवाया जो उसके शहर का सबसे बड़ा घर था। और उस व्यक्ति ने घर तब बनवाया जब वो फाइनेंशियली बेहद स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसके पास इनकम आने के अलग अलग बहुत सारे सोर्स भी हो गए थे। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने उस कॉलोनी में पहले से ही जमा पूंजी से घर बनवाया था वो लोग कुछ सालों बाद फाइनेंशियली बेहद कमज़ोर हो गए क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने घर बनवाने में लगा दी थी। इसलिए हमेशा याद रखना, पहले पैसे कमाने के लिए सोर्स बढ़ाएं, अलग अलग जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करें और उसके बाद ही अपने शौक पूरे करें, नहीं तो आप कभी भी पैसे वाले नहीं बन पाएंगे। आप हमेशा कर्ज में और टेंशन में, स्ट्रेस में ही डूबे रहेंगे। इसके बाकी पॉइंट मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप उन पॉइंट्स को भी सुनना चाहते हैं तो मेरा आस्था LLB का चैनल है, जिसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। इस उम्र में सीखना ही होगा आपको, तभी आप अपने भविष्य में करोड़पति अरबपति बन पाएंगे। और अफसोस है कि हमारा स्कूल कॉलेज हमें ये बातें नहीं सिखा पाता, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।
और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अधिक वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको नॉलेज दे सकूं। थैंक यू सो मच।